हेलो गाइज, मैं प्रीतेश, प्रीटेक मिनी प्रोजेक्ट में आपका स्वागत है। सो गाइज, इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं पावर बैंक। इसको बनाना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। वैसे मैंने एक्सप्लेन किया है कि इसको कैसे बनाते हैं। यहाँ पे मैंने चार्जिंग मॉड्यूल यूज किया है, ये जो 35 रुपीज में मिल जाएगा। इसके अंदर जो बैटरी यूज की है वो रिचार्जेबल लैपटॉप की बैटरी है। कोई भी लैपटॉप के शॉप में जाओगे तो वहाँ पे फॉल्टी लैपटॉप की बैटरी लोगे तो उसमें से 3 से 4 बैटरी आपको मिल जाएगी। मतलब वो 30 से 40 रुपये में आपको लैपटॉप की बैटरी दे देगा। तो पूरा प्रोजेक्ट 100 रुपीज़ के अंदर बन चुका है गाइस। इसको कैसे बनाते हैं ये मैंने वीडियो में बताया, बहुत ही सिंपल वैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि कैसे बनाते हैं। सो गाइस, वीडियो को स्किप ना कीजिए, अंत तक देखिए। वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर लाइक कीजिए, हो सके तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। हाँ गाइस, इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, सो इसके लिए क्या चाहता हूँ, आपका एक प्यार भरा लाइक चाहता हूँ गाइस। और हाँ गाइज, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ये गाइज फ्री है। ये जो पावर बैंक है गाइज, ये ड्यूअल फंक्शनिंग वर्क करता है। मतलब यहाँ पे टॉर्च भी है, एज अ टॉर्च करके भी आप यूज़ कर सकते हो, और यहाँ पे 2 चार्जिंग मॉड्यूल भी है, यहाँ से आप 2 मोबाइल चार्ज भी कर सकते हो। सो गाइज, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोज है ये। सो गाइज, मैं हर बार आपके लिए इतने इंटरेस्टिंग वीडियोज बनाता हूँ। सो गाइज, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलो गाइज, वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, इसके लिए हम लोग यूज़ करने वाले ये चार्जिंग मॉड्यूल, लैपटॉप की बैटरीज, वायर्स एंड बॉक्स कवर। सो लैपटॉप की जो बैटरी है इसका जो पॉजिटिव एंड है और इसको नेगेटिव एंड है उसको कॉमन करके कंबाइन करते हैं, जैसे आप वीडियो में देख रहे हो। और उसके बाद ये बॉक्स के ऊपर इसको रख के हम लोग इसकी टेस्टिंग करते हैं कि इसका आउटपुट कितना आ रहा है। सो 3 वोल्टेज तक इसका आउटपुट आ रहा है गाइस। ये जो चार्जिंग मॉड्यूल है इसको बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्ट होने वाला है। यह स्विच है, इसके जरिए हम लोग चेक करेंगे कि हमारा पावर बैंक कितना चार्ज हुआ है। यहाँ पे ये इंडिकेटर है। सो ये स्विच को प्रेस करने के लिए हम लोग एक छोटा सा स्विच बनाया, इसको हम लोग बॉक्स के अंदर फिक्स करने के लिए यहाँ पे हम लोग छेद करते हैं। सो अभी हम लोग क्या करते हैं कि जो बैटरीज है इसको हम लोग फिक्स करते हैं बॉक्स के ऊपर। ये जो स्विच था इसको भी इसके अंदर डाल देते हैं। अन्य जो बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव है इसको मॉड्यूल के साथ कनेक्ट करते हैं। सिंपल है गाइज कनेक्शन, यहाँ पे देख सकते हैं अभी हमारी बैटरी जो डाउन है चार्ज होने के बाद ये यूज़ करने के लिए हो जाएगी। सो ये जो मॉड्यूल है इसको भी हम लोग फिक्स करते हैं। सो इसके बाजू का जो साइड है इसको हम लोग अभी देख सकते हो, यहाँ पर हमारा कनेक्शन हो चुका है। तो बॉक्स कवर करके लेते हैं हम लोग साइड में, मैंने ये पहले से कट किया हुआ था। यहाँ पे देख सकते हो सामने जो मॉड्यूल सामने जैसा दिखता है वैसे मैंने पार्ट कट किया है। सो ये पूरा बॉक्सिंग हमारा कवरिंग हो चुका है। सो अभी हम लोग यहाँ पे जो बैटरी का है इंडिकेशन उसके यहाँ पे हम लोग बटर पेपर लगाते हैं जिससे उसके अंदर कुछ पानी भी नहीं ना जाए। तो यहाँ पर हम लोग कवर भी किया है। सो ये पूरा बॉक्सिंग हो चुका है, यहाँ पे 2 है जहाँ से हम लोग चार्जिंग करने वाले हैं। अभी हमारी बैटरी डाउन है, यहाँ पे देख सकते हो एक ही इंडिकेटर जल रहा है। सो इसको हम लोग क्या करते हैं कि मोबाइल चार्जर से चार्ज करते हैं। पहले हम लोग लैपटॉप, ये जो पावर बैंक है इसको हम लोग चार्ज करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि चार्जिंग हो रही है। सो गाइज, अभी हमारी चार्जिंग हो चुकी है, यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा 8% मोबाइल चार्ज है। सो पावर बैंक से देखते हैं कि इसको चार्ज होता है कि नहीं। देख सकते हो गाइज कितना फास्टली चार्ज कर रहा है ये, मतलब ये जो हमारा पावर बैंक है ये वर्क कर रहा है। सो अभी हम लोग थोड़े टाइम के लिए रुकते हैं, कितना चार्ज हुआ है देख लेते हैं। अभी मैंने वीडियो को स्पीड में किया था। सो यहाँ पे देख सकते हो 11% हुआ है, मतलब 8 से 11% तक हो चुका है चार्जिंग हमारा, मतलब ये वर्क कर रही है। सो ये जो केबल्स है इसको हम लोग सामने लाता हूँ मैं, नहीं तो आपको लगेगा कि मैंने दूसरी जगह से चार्जिंग कर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं गाइस, जो भी है जेन्युइन है। देख सकते हो 11% बैटरी चार्ज हुई थी, तो बहुत टाइम हो चुका है। अभी मैं चेक करता हूँ कितना परसेंट हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 24% हो चुका है गाइस। सो बहुत ही फास्टली चार्ज भी कर रहे हैं। सो गाइस, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे देख सकते हो ये जो टॉर्च है इसको, इसका भी देखते हैं, इसको प्रेस किया तो देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो टॉर्च की लाइट है ये भी जल रही है। मतलब एज अ टॉर्च करके भी आप इसका यूज़ कर सकते हो और 2 जगह से चार्ज भी कर सकते हो। मतलब आपका मोबाइल 2 से 3 मोबाइल चार्ज कर सकते हो इस पावर बैंक से।
सो गाइज, वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।